रज बंदन पद पंकज बंदन सिमरो अंगद दोख निकंदन अमरदास गुर हृदयताभु गुर हृदयताभु श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुर हर कृष्ण मनाए बहो तेग बहादुर परम कृपाल परम कृपाल श्री गुरु गोविंद सिंह विशाल तरुण तरा पर पुन पुन शीसा पुन पुन शीसा बंदों बार बार जगदीसा जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन का वंदना सिर चरणन परतार एक अंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच हो वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी दोहरा हुतो तपा हर बंस एक सेव करह त्रम साल थकत जो सिख तिसके चरण तोए तपत जल नाल हुतो तपा हर बंस एक परम सम्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा सात संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां नूं दमदमी टकसाल दे मुख हैडक्वाटर केंद्रीय स्थान गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता विखे जुगो जुग अटल गरीब नवाज सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की परम पवित्र हजूरी विच सतगुरां दे पावन पवित्र दर्शन करन दा नमस्कार करन दा
सत संगत दे विच बैठ करके हाजरियां भरन दा मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सवासां नूं समय नूं सफला करन दा शुभ सुभागा समा प्राप्त हो रहा है। सात संगत जी आपां हर साल दी तरह दमदमी टकसाल दे चौदवें मुखी कथनी करनी दे पूरे सूरे सूर वीर महाबली योधे पूर्ण संत महापुरख अमर शहीद संत ग्यानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले अते जिन्हां शहीदां ने उन्हां महापुरखां दी अगवाई विच महान शहीदियां दित्तियां अमर शहीद भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी जनरल सरदार सुबेग सिंह जी जथेदार बाबा ठारा सिंह जी समेत अणगिणत सिंह सिंघणियां पचंगी जिन्हां ने अज तो 36 साल पहला सचखंड श्री हरिमंदर साहिब ओ परम पवित्र स्थान जिस स्थान उत्ते धन सतगुरु श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी का महान बख्शिशां भरिया हथ है जिथे आप सतगुरु अठे पहर सुभाए मान हन उस परम पवित्र स्थान ते और मीरी पीरी दे मालक धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दे महान साजे होए तख्त श्री अकाल तख्त साहिब जी ते उस समय की निर्दयी जरवाणी और जालम हकूमत ने बड़ी बेरहमी दे नाल तोपां टैंकां दे नाल बड़ा भयानक हमला किया और उस हमले दौरान उस हमले का मूँह तोड़ जवाब देंदिया होया महापुरखां ने लगातार 1 जून तो लैके 6 जून तक यह धर्म का जंग लड़िया धर्म का युद्ध लड़िया। सूरमा किसनूं कहा जाता है सतगुरु जी गुरबाणी विच फुरमान करते हैं सूरा सो पहचानिया जो लड़ै दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। दीन दा सौखा अर्थ धर्म ही है वैसे दीन दे अर्थ होर भी हन जिवें आपां कह दिंदे हाँ सुभाविक तौर ते कि फलाना व्यक्ति फलाना बंदा दीनों बेदीना हो गया भाव धर्म नूं छड़ के बेधर्मा हो गया इस करके दीन दा अर्थ धर्म है। धर्म दे अंतर्गत जदों धर्म की व्याख्या करते हाँ जिथे धर्म दे असूल आउंदे है धर्म दीआं कदरां कीमतां दा विख्यान हुंदा है उत्थे धर्म दे बहुत वड्डे विशाल अर्थां विच जदों आपां जांदे हाँ तां उदों इह सारियां विचारां इस गल दे अंतर्गत आउंदियां हन कि तुहाडे गुरु इष्ट दे अस्थान उत्ते कोई व्यक्ति आ के हमला करे कोई उस अस्थान की बेअदबी करे तुहाडे धर्म दीआं परंपरावां नूं रोलण दा यतन करे तुहाडीआं परंपरावां नूं खत्म करे तुहाडे अकीदे और विश्वासां दा कोई व्यक्ति घाण करे और जिस गुरु ने जिस धर्म विच्चों तुहानूं धर्म दी जाग लाई है उस धर्म दा कोई व्यक्ति हनन करे उस धर्म दा नुकसान करे और इसे ही तरह जेड़ा व्यक्ति तुहाडे धार्मिक दायरे विच जो नियम असूल हन जिवें सतगुरु साहिबान जी दे बचन है गऊ गरीब दी मजलूम दी रक्षा करनी और इसे तरह नमाणे नताणे अनाथां दी रक्षा करनी जदों इन्हां सारियां चीज़ां उत्ते कोई जुर्माना आके हमला करदा है जां इन्हां रोहरीतां नूं कोई खंडित करदा है उदों इन्हां दी रक्षा वास्ते इन्हां नूं बचाउण वास्ते अपने ज्यौंदे जी अपनी जान निशावर करदिया हो जुर्माने नाल जूझदिया होया
उस जालम दा उस जरवाने दा मुकाबला करदे रहना। जेकर जित प्राप्त हुंदी है तां जित प्राप्त करन वाले दे उत्ते उस वाहिगुरु दी उस धर्म दे रहबरां दी अपार बख्शिश और रहमत हुंदी है। और जे कोई ऐसा शूरवीर बहादुर योधा अपनी रोह रीतां कदरां कीमतां दी खातर शहीदियां दे दिंदा है, शहीदी नूं प्राप्त कर जांदा है, तां उह सूरमा सदा लई अमर हो जांदा है। उस दा निवास अकाल पुरख दी पुरी सचखंड विच हुंदा है। सत संगत जी गीता विच इक बड़ा सुंदर शब्द आया है, उहदे विच भगवान कृष्ण जी कहिंदे आ रिते ज्ञानाना मोक्षं। उह कहिंदे ऐ प्राणी ज्ञान तों बिना तैनूं कदे मोक्ष नहीं हो सकदी, मुक्ति नहीं मिल सकदी। जिन्ना चिर तू ज्ञान नहीं प्राप्त कर लैंदा उन्ना चिर तैनूं मोक्ष दा दर प्राप्त होना अति कठिन है, अति कठिन है। पर गुरु घर दे विच मुक्ति दा सरोवर एडा सुखैन है, एडा सुंदर ए सरोवर मुक्ति दा सतगुरु ने लाया होया है कि जिहड़ा गुरसिख माई भाई खंडे दा अमृत छक के पंजां ककारां दी रहत रखदा, बाणी पढ़दा, सतसंगत करदा, सेवा करदा, सिमरन भगती बंदगी करदा, गुरबाणी दा अभ्यास करदा, उस नूं भी मुक्ति प्राप्त हुंदी है। ते सब तो सुखैन मुक्ति दा दर गुरु घर दे विच इह भी सतगुरु जी ने दिता है कि जिहड़ा सूरमा धर्म की खातर मैदाने जंग विच जूझ के शहीदी पा गया वह एक पल विच ही मुक्ति नूं प्राप्त कर जांदा है। वह सचखंड दे विच उसका वासा हुंदा है। जे शहीद होने वाले दे मन विच कोई संकल्प रह गया, इच्छा रह गई, तो फिर गुरु साहब उसनूं अगला जन्म दे के गुरसिखां दे घर विच चंगियां पवित्र रूहां पवित्र धरतियां ते जन्म दे के महाराज उहदी इच्छा पूरी कर दिंदे है और फिर दोबारा उहनूं मुक्त कर दिंदे हन। भाव उहदा अगले जन्म तक भी उहदा फुरना उहदा मनोरथ उहदी इच्छा पूरी करन तक महाराज उहदे अंग संग रहिंदे है। एडियां वड्डियां महान रहमतां प्राप्त हुंदियां हन। जे निष्कामता नाल शहीदी दे गया फिर तुरंत उह सचखंड लोक नूं जा करके मुक्ति नूं प्राप्त कर लैंदा है। इस करके साध संगत जी कलगीधर जी दे गुरबाक बचन हन, तन जियो तिह को जग मैं मुक्ते हर चित मैं जुद्ध विचारै, देह अनित ना नित रहै जिस नाव चढ़ै भव सागर तारै, धीरज धाम बनाए है तन बुद्ध सुदीपक ज्यों जियारै, ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ लै कातरता कुतवार बुहारै। जदों इस सवैये की गंभीर व्याख्या विच आपां जावांगे तां इस व्याख्या विच सारा ज्ञान दा ही वर्णन है। और ऐसी ज्ञान की भूमिका नूं प्राप्त करन वाला जिहड़ा सूरमा है, जिहड़ा शहीद है, उहदा जीवन धनता दे योग है। देह नूं संसार नूं अनित समझण की जिहड़ी इह अवस्था है, इह ज्ञानवान दे अंदर ही पैदा हुंदी है। देह नूं संसार नूं जां संसार दे पदार्थां नूं अनित समझणा इह ज्ञानवान दी अवस्था होया करदी है। और सूरमे नूं सतगुरु ने परम ज्ञानी दा दर्जा दित्ता कि सूरमा जदों धर्म दे युद्ध विच जांदा उह देह नूं नाशवंत समझ के मैदाने जंग विच डट जांदा, संसार नूं नाशवंत समझदा। एक पासे लखां दी फौज है, एक पासे हिंदुस्तान दी जालम हकूमत है, और जिस हकूमत दे नाल होर मुल्कां दी भी हकूमतां जिहदा साथ दे रहीआं, जिहदे मगर खलोतियां हुईआं हन, और उस हकूमत दी लखां दी फौज कोले हथियारां दे बहुत वड्डे वड्डे मारू जखीरे है, ते एक पासे गुरु की बाणी दे रंग विच, गुरु की रहत दे रंग विच, गुरु दे प्रेम विच, गुरु दी शरदा विच भिजियां हुईयां ओ चढ़दी कला वालियां आत्मावां डटियां हुईयां हन, जिन्हां नूं कोई जरवाणे दा डर भय नहीं, जिन्हां नूं हथियारां दा खौफ नहीं मन विच,
ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਨਿੱਤ ਹੈ, ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜਾਂ, ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਅਟਕਾਰ, ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੂ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਮਾਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਇਸ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਘਾੜਤ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤੱਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਆ, ਉਹ ਭੂਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਨਿਖਿੰਧ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤੋ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਪਾਪ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤਪ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸਾਧਕਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਪੱਸਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ।
मैं उन्हां सिंघां दे दर्शन किते है, तुसीं भी उन्हां दे दर्शन किते है। उन्हां सिंघां दी शोह विच्चों इउं प्रतीत हुंदा सी कि जिवें सारे संसार दी चढ़दी कला एक एक सिंघ दे रोम रोम विच समाई होई है। उन्हां दे चेहरे, उन्हां दी सेवा, उन्हां दा उत्साह, उन्हां दी करनी वेख के हर प्राणी मात्र दंग रह जांदा सी कि इह जिहड़े मनुख है ना, इह संसार विच्चों पैदियां पैदा होईयां रूहां नहीं हन। जदों साध संघ जी भाई दलवीर सिंह जी, अभ्यासी बाबा ठारा सिंह जी, हरचरण सिंह जी मुक्ता, भाई गुरमुख सिंह जी गड़वई, महापुरखां दे जो गड़वई सन, ऐसे ऐसे जिहड़े सिंह सन, जदों उन्हां सिंघां दे दर्शन हुंदे सन जां उन्हां दे कोले बैठी दा सी जां उन्हां सिंघां दी सारिआं दी संगत करी दी सी, कदे उन्हां कोले बैठ के नमोशी नहीं मन नूं आउंदी सी, कदे दलगीरी नहीं मन विच पैदा हुंदी सी, कदे माड़े ख्याल नहीं मन विच आउंदे सन। उन्हां कोले ऐं लगदा सी कि मन ऐन खिड़ जांदा सी फुल दी तरह। गुरमुख दी जिहड़ी करनी हुंदी है, गुरसिख दी कमाई हुंदी है, उदा जीवन बोलदा, उदे जीवन विच्चों तुहानू ये सारियां जिहड़ियां तरंगां हन ना, ये गुरमुख आत्मावां कोलों तुहानू प्राप्त हो जांदियां। उत्थे दलगीरी भज जांदी है, दूर चली जांदी है। वह अमरी रूहां सन, वह सचखंडी रूहां सन, वह बाणी दे विच ओत पोत सन, नाम दे रस विच, गुरबाणी दे रस विच भिजियां होईयां आत्मावां सन। संगत जी, बंदा सामने कोई जोरावर बंदा खलो जाए, बंदे दा पसीना छुट जांदा, मनुख दा मन इन्ना दहल जांदा खौफ दे नाल। पर तानो शहीद सन कि एक पासे दुनिया दी एड्डी वड्डी हुकूमत उन्हां ते हमले कर रही है, और तोपां टैंकां दे नाल, हवाई जहाजां नाल, उन्हां नूं कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। बड़ी उन्हां दे जीवन विच निरभयता है, चढ़दी कला है। बल्कि उन्हां सिंघां दे विच तां ऐसा देखिया गया सी जून 84 दे अटैक तो पहला, उह सिंघ इस तरह कहिंदे सुणे आ, मैं भी सुणे आ, गुरसिखां ने भी सुणे आ, उह कहिंदे सन उह दिन नूं असीं ब्याह नालों भी वध खुशियां लई अड़ीक रहे आ। बंदे नूं ब्याह वाले दिन, जिंदगी दे विच बंदे नूं उसे दिन सब तों वड्डी खुशी हुंदी है जिद्दण उहदा ब्याह हुंदा। कहिंदे सानूं उस दिन दी उड़ीक है, अरदासां करदे हैं कि वह दिन आवे, उस लखनी घड़ी आवे, असी जरवाणियां नाल डट के मुकाबला करिए अते अपने सतगुरु के चरणों में शहीदियां देिए। सात संगत जी, ये होंदी है सूरमे दे अंदर मौत दा कोई खौफ ना होना, डर ना होना, भय ना होना। सूरमा इसे करके मौत नूं डरा दिंदा। बाबा दीप सिंह जी दियां वारां जदों सुणदे आपां सुणीदा ना वी बाबा वीर, बाबा दीप सिंह जी तो मौत वेख के कंब गई। यही कंबणी हुंदी है मौत नूं। मौत दुनिया दे लोकां नूं कंबणी छेड़ दिंदी है, पर शहीद मौत नूं भी कंबणी छेड़ दिंदे हन। मौत भी उन्हां अगे थर थर कंबदी है। ये असीं अखीं वरतारा सारा वेख्या है अपने जीवन विच। वो शब्द ही नहीं बयान करके दसे जा सकते कि किहड़े उन्हां शहीदां दे जीवन दे चाह सन, कि उन्हां दे मन विच उस समय दा उत्साह सी, कि उन्हां दीआं भावनावां सन शहादत देण दे समय। तानो सिंह सन, और उन्हां सारे सिंघां विच्चों एक भी सिंह ने जालम दी ईन नहीं मन्नी, परवाह नहीं कीती, हस हस के शहीदियां उन्होंने दित्तियां, एक दूजे नालों अगे वध के दित्तियां, अगे तो अगे हो के शहीद होए। और धन महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले, जिन्हां महापुरखां दी करनी विच्चों ऐसे सूरमे पैदा होए। उन्हां दी करनी सी, उन्हां दा प्रताप सी, उन्हां दी मैं समझदा एक कृपा सी कि उन्हां दी कृपा नाल ही ऐसे जोधे पैदा होए, पंथ लई, कौम लई मर मिटण वाले। सो साध संगत जी, ऐसे महान शहीदां दी याद विच बैठे हो, आपां जेकर उन्हां शहीदां दी याद विच बड़ी श्रद्धा सत्कार नाल बैठ के सतसंगत करांगे ना,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ? ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੁਭਾਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਗਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋਹਰਾ ਹੁਤੋ ਤਪਾ ਹਰ ਬੰਸ ਇੱਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਤਪੀਏ ਸਨ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਤਪੀਆ ਹੱਠ ਯੋਗ, ਧੂਣੀਆਂ ਤੌਣੀਆਂ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਣਾ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਤਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਤਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ। ਐਸਾ ਇਹ ਤਪੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਤਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸੇਵ ਕਰਹਿ ਧਰਮਸਾਲ, ਧਰਮਸਾਲਾ ਦੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਕਤ ਜੋ ਸਿੱਖ ਤਿਸ ਕੇ ਚਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹੀ ਪੰਧ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੋਏ ਤਪਤ ਜਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਦੇਖ ਸ਼ੁੱਧਤ ਭੋਜਨ ਅਚਵਾਵੈ, ਭੁੱਖੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸਾ ਸੁਪਤ ਕੇ ਪਾਏ ਦਬਾਵੈ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸੀਤਕਾਲ ਭੂਰੇ ਤਬ ਦੇਤ, ਜੇ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੀਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੂਰੇ ਗਰਮ ਕੰਬਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਧਰਮਸਾਲ ਲੇਪਨ ਕਰ ਲੇਤ, ਧਰਮਸਾਲਾ ਉਦੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੋਚੇ ਨਾਲ ਧਰਮਸਾਲਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੋਚਾ ਦੇਣਾ, ਇਉਂ ਲਿਪਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਉਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਰੋਲਾ ਫੇਰਨਾ ਸਾਰਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਗੈ ਪ੍ਰਥਮ ਜੋ ਪਾਛਲ ਰਾਤੀ, ਔਰ ਕੈਸਾ ਕਰੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ। ਔਰ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਵੇਖੋ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਘੁੱਟਣੇ, ਚਰਨ ਘੁੱਟਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪਹਿਰ ਰਹਿਤ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ
ये सवा पहर अमृत वेले दी पिछली रात दा सब तो शुभ पवित्र समा है। इस नूं शास्त्रां विच ब्रह्म मुहूर्त कहा जांदा है। और साध संगत जी, एक आप जी दे ध्यान गोचर बेनती करदे आं, किसी भी देवी देवते की उपासना सूरज की जदों पहली किरण धरती ते आउंदी है, सूरज दे चढ़े तो बाद आरंभ हुंदी है सनातन धर्म दे विच। पर जिहड़ा ब्रह्म मुहूर्त है, जिहड़ा अमृत वेला सतगुरु ने दिता, यह केवल इस विच अकाल पुरख की उपासना का समा है। इस गल्लों सनातन धर्म के लोग भी, इस्लाम धर्म के लोग भी, ईसाई धर्म के लोग भी मनते हैं। और शास्त्रां विच नूं ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ओ शुभ मुहूर्त का अर्थ हुंदा ओ शुभ पवित्र समा। तुसीं हुण संगत विच आए हो, यह तुहाडा शुभ मुहूर्त बन गया, शुभ घड़ी शुभ समा तुहानूं जीवन विच प्राप्त हो गया। सुम समा जिंदगी दे विच कदे कदे मिलता, हर समय नहीं मिलता, कदे वास्ते भी यह ख्याल रखे। अमृत वेला जिहड़ा ब्रह्म मुहूर्त है, यह केवल अकाल पुरख की उपासना का समा है, वाहिगुरु की भगती का समा। जदों इस मुहूर्त विच कोई जिज्ञासु वाहिगुरु की उपासना करदा ना, तो उसनू इसे समय विच परमेश्वर की प्राप्ति होएगी। जिहड़ा यह साधन करेगा, जिहड़ा नहीं करेगा, वह परमेश्वर की प्राप्ति तो हीणा रह जाएगा, खाली रह जाएगा। इस करके गुरसिख अमृत वेले पिछली रात पहर रात रहिंदी तो उठदा है, जल कर तपत नुलाहे प्रभाती। आप इशनान भावें ठंडे जल नाल ही कर लैंदा है, पर गुरसिखाइयां संगतां नूं गर्म जल करके, गर्म पानी करके ठंड दे दिनां विच उहनां दा इशनान करवाउंदा है। पढ़त रहै पुन सत गुरबानी। किसे नाल गल्लां नहीं करदा, हमेशा गुरबाणी पढ़दा रहिंदा है। जदों आपां थोड़ा जिहा इन्हां विचारां दे उत्ते पिछे झात मार के देखिए, तां संत बाबा जरनैल सिंह जी दा जीवन, उहनां दे जीवन विचों इहो झलकां सानूं दिसदियां। सारिआं तों बाद सौणा, लंगर दे जूठे बर्तन भी मांडणे, प्रशादा भी वरताउणा, और सारियां तो पहला अमृत वेले उठना, ते महापुरखां दा, वड्डियां दा, महापुरख सचखंड वासी संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी दा अमृत वेले इशनान करन वाले सिंघां विच लक बन के आप इशनान दी सेवा नाल होके कराउणी। और रात नूं जिथे जिथे सिंघां दे आसन लगे हुंदे सन, उदों घरां विच ज्यादा जथा ठहरिया करदा, पिंडो पिंडी शहरां दे विच, ता अपने परने नाल गुप्त रूप दे विच रात नूं जा के सिंघां दे जोड़े साफ करके आ जाना, पता भी नहीं लगन देना। इहो जिहियां बड़ियां उहनां दियां घालणां सन। और फिर उह सेवा करदे होए किसे नाल बचन नहीं करिया करदे सन, बाणी पढ़दे रहिंदे सन। इसे करके महापुरख संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा पिंडरां वाले उहनां बाबत कहा करदे सन कदे कदे कथा विच कि सिंघो इहो जिहा जीवन बनाओ जिहो जिहा भाई जरनैल सिंह अभ्यासी रोडियां वाले दा जीवन है। ये संत अपने मुखों कहा करदे सन, कई वेरी बचन नहीं संत करदे सन, सारा दिन बाणी पढ़दे रहिंदे सन। पंज ग्रंथी दा जुबानी नितनेम करना, 101 जपजी साहब दा पाठ करना, इउं बाणी पढ़दे रहना ते सेवा करदे रहना। जां दोनों समय महापुरखां दी रसना तो दीवान विच जाके गुरबाणी गुर इतिहास दी कथा सुनो। ऐसा उन्हां सतपुरशां दा कोई एवें नहीं संसार दे विच एडिया वड्डियां रहमतां बख्शिशां उन्हां नूं प्राप्त होईआं, अज सारा संसार उन्हां दी पूजा करदा, पर उन्हां दे जीवन दी पिछे घालणा वेखो किन्नी कठिन उन्हां दा जीवन घालणा भरपूर सी, किन्नी घालणा उन्हां सतपुरशां ने घाली। ऐ तां फिर घर घर विच संत जरनैल सिंह पैदा हो जाण, सुखैन मार्ग ते चल के, कठिन घालणा तां भाई घालणी पैंदी आ हर एक नूं। सब जप सब तप सब चंगियाईआ, सिद्धा पुरखा किया वडियाईआ, ये जप तप दी घालणा है, सेवा दी घालणा है। इस करके महापुरखां नाल बड़ा घाली जीवन सी, घालणा भरपूर जीवन जीविआ उहनां नाल।
मुखी बन के भी दिनी उन्होंने थक घालना की कोई कर ही नहीं सकता उन्होंने जैसी। सो साध संगत जी ये उन्होंने प्रेरणा गुरसिखा के इतिहास विचों ली, महापुरखों के मुखार बिंद तो ली, सिंघां नूं वेख वेख के सेवा करनी, नाम अभ्यास का रंग लगना, क्योंकि संगत विचों ही साध संगत जी रहमत प्राप्त होंदियां, रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है। एक सिंह नूं वेख के बाणी पढ़दे नूं सेवा करदे नूं तां दूजे दे मन विच चाह पैदा हो, जे चाह नहीं ना पैदा हुंदा तां समझ लो भी बड़े पिछले जन्मां दे कोई बहुत पाप कर्म कीते आ जिहड़े तेरी पेश नहीं जाण दिंदे, तेरे मन विच ऐसा चाह नहीं पैदा हुंदा। साध संगत जी पंज तरह की कृपा है, एक अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा, एक गुरु परमेश्वर की कृपा, एक संतां महापुरखों की कृपा, एक सत संगत की कृपा। ये चार कृपा तो बाहरों आउंदियां, पंजवीं कृपा व्यक्ति नूं अपने उत्ते आप करनी पैंदी है, अपने उत्ते कृपा कर। वो कृपा की है? अपने उत्ते कृपा ये कर कि जे तू अमृत नहीं छकिया अपने जीवन नूं तारन वास्ते एक कृपा कर, उन्हूं अमृत छका। अमृत वेले उठ के बाणी पढ़नी, अपने आप ते कृपा करनी, गुरु घर विच जाके संगत करनी, ये भी अपने आप ते कृपा करनी, और सिमरन अभ्यास सेवा करनी, ये भी अपने आप ते कृपा करनी, माड़े पासे जाण तों अपने आप नूं रोक के रखना, ये भी अपने आप ते कृपा करनी। जिन्ना चिर प्राणी अपने आप ते कृपा आप नहीं कदे करदा, उहदे ते कदे परमेश्वर की कृपा भी नहीं हुंदी, उहते गुरु की कृपा भी नहीं कदे हुंदी, उहदे ते संतां महापुरखां की भी कृपा नहीं हुंदी, ते उहदे ते सतसंगत की कृपा भी नहीं हुंदी कदे वास्ते। ये याद रखो मन विच ध्यान नाल, अकाल पुरख की की कृपा तुहाडे ते, तुहानूं मनुखा जन्म देता, तुसीं देखिया करो कि पशु पंछी जानवर तुरे फिरदे आ, वह भी तुहाडे वर्गी 84 लाख जून विच्चों ही है ना, तुसीं इन्हां विच्चों ही आए हो, पर तुहाडे ते उहदी विशेष कृपा हुई, उन्हें मनुखा जन्म तुहानूं देता, फिर पालण वास्ते तुहानूं रोजी रिजक दे दिता, ये मेरे अकाल पुरख दीआं कृपावां हन। पता नहीं उहदीआं कृपावां दा तां अंत नहीं, जेडे उहदा नाम जपदे उन्हां ते की बख्शिशां हुंदियां, पर सूखम कृपा दा तां बहुत वड्डा खजाना, स्थूल रूप दी है उहदी कृपा है, गुरु साहिब दी कृपा, उन्होंने तुहाडा जीवन सवार दिता, तुहानूं धन तां जी जोग बनाता, गुरसिक्खी देती, बाणी देती, बाणा देता, कुसंगत तों बचाता, तुहानूं तुहाडे ते कोई दुख आ गया, तुसीं गुरु साहिब दी बाणी पढ़ी, अरदास कीती, तो गुरु साहब ने कृपा करके तुहाडे दुख कट दिते। महात्मा की कृपा होंदी है, तुहानू नाम बाणी विच सेवा सिमरन विच कृपा करके जोड़ दिंदे है, भलिया बाणी पढ़िया कर, सत्संगत करिया कर, नाम अभ्यास सेवा करिया कर, सो महात्मा तुहानू अगवाई देने की कृपा कर दिंदे है। सत संगत कृपा करती है, साध संगत जी दुनिया विच जिन्ने भी साधन है ना, उपासना कांड विच मन की शुद्धि का जिहड़ा सब तो सर्वोत्तम साधन है वह सत संगत है। सतसंगत दे विच बैठ के परमेश्वर की कथा सुननी ना, ये सब तो वड्डा मन की शुद्धि का साधन है, इस तो परे होर कोई साधन। जिहड़ा व्यक्ति संगत विच बैठ के कथा सुनदा उदा मन शुद्ध होने लग जाता, मन पवित्र होने लग जाता, उपासना करके उन्ना मन पवित्र नहीं होएगा, साधन करके मन पवित्र नहीं होएगा, जिन्ना सत्संगत दे विच बैठ के वाहिगुरु दी हरी दी परमेश्वर दी कथा सुन के मन शुद्ध हो जाता, निर्मल हो जाता। इस करके सत्संगत दी कृपा मन नु शुद्ध कर दिंदी है। ये तां सारियां कृपा तेरे कोले अजीब आउंदियां जे तू पहला अपनी कृपा आप ते करें, शुभ मार्ग ते चले। इस करके साध संगत जी सतगुरु की कृपा दे नाल, परमेश्वर की कृपा दे नाल, वाहिगुरु की कृपा दे नाल, गुरसिख
बाणी पढ़ता है, सतगुरु की एक कृपा है कि जीवन हमेशा बाणी पढ़ता रहिंदा है। एक कृपा की अपने जीवन उतारन वास्ते कि बाणी विच लगा होया है, सेवा विच लगा होया है। यो सारा दिन बाणी पढ़ता रहिंदा भाई हरबंस इम सेवा को ठान महानी, यो सेवा महान सेवा जिहड़ी है मन स्थित करके आन मन नूं दृढ़ता पूर्वक अपने मन नूं रोक के सेवा विच ला के आन मन नूं अते तन नूं सेवा दे विच ठान लाया होया है, लगा होया है। कब गुरदास कीन जो बानी, जो भाई गुरदास जी ने वारा अते कबेते बाणी उचारी है। एक दिन पढ़त हो तो रुच ठानी, साध संग जी गुरसिख धन सन, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी भी पढ़ते सन और भाई गुरदास जी की बाणी का भी गुरसिख अभ्यास करते सन। उन्हां दियां वारां, उन्हां दे कवित सबैये, उन्हां दियां पौड़ियां गुरसिख जबानी याद करके पढ़ते सन। अज तां किसे विरले दे भाई गुरदास जी दियां वारां दी बाणी जबानी याद होएगी, उदों गुरसिख सारियां वारां दा कवित सबैयां दा जबानी पाठ कर दिया करते सन। और सतगुरु दे समय की यह घटना है, एक दिन भाई हरबंस तपा जी भाई गुरदास जी की बाणी पढ़ रहे सन। कितक सिख बोले ते सिपाही, बड़ी रुचि नाल पढ़ रहे सन, रुचि की प्रेम नाल। रुचि की हुंदी है, प्रेम की हुंदा है, मन एकाग्र हो के जुड़े रहना, लगे रहना, दूजे बन्ने ध्यान ना जाना। तो किन्ने क सिखा ने उस वक्त इन भाई गुरदास जी की बाणी पढ़द्या अगों टोकया, बोलिया, कहा, रोकया, कह के गुरबानी क्यों पढ़ है नाही। ओ भाई तू गुरु की बाणी क्यों नहीं पढ़ता, भाई गुरदास की रचना का क्यों पाठ करता है, ये रोकया है, ये कह के। अपर कवन की सिख न पढ़ जेड़ा सिख है गुरु की बाणी नु छड़ के होर कविया की बाणी नहीं कदे वास्ते पढ़ता। सतगुर शब्द प्री जेड़ा सिख है वह गुरु दे शब्द प्रीति नाल प्रेम नाल रड़ा उचारदा है और बार बार पढ़ता है। गुरु की बाणी विच गुर शब्दां विच ही सिख दी प्रीति होनी चाहीदी है। जगर परस पर गुर टिग आए, भाई हरबंस कहिंदा गुरु साहब का हुक्म है भी भाई गुरदास की बाणी भी पढ़ो। झगड़ा पै गया, वाद विवाद हो गया, झगड़ा नहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं उन्होंने होया कि उत्थे आपस में डांगो डांगी हो गए। वो इस गल की विचार होई तो विचार हुंदिया हुंदिया कहिंदे भी चलो यूं करो गुरु साहब कोले जाके आपां निर्णा करवा लैने हैं। भाई हरबंस कहिंदा जे महाराज कहणगे नहीं पढ़नी मैं नहीं पढ़ांगा। यूं विचार करद्या करद्या ये सिख आपस दे विच गलबात हुंदी हुंदी सतगुरां दे पास आपस विच मिल के गए। बात प्रसंग जो सकल सुनाए, इस गल नूं आपस विच इस गल दा झगड़ा होया सी कि तू भाई गुरदास दी बाणी क्यों पढ़दा, गुरु साहब दी बाणी क्यों नहीं पढ़दा। वो सारा प्रसंग सतगुरु जी नूं दस्या सुनाया। ए सब बरजत तरकत गही, महाराज जी नूं सारिआं ने बरजिआ रोकिआ भी ना पढ़, ताड़ना भी कीती, तर्क दा अर्थ है ताड़ना भी कीती के तू क्यों पढ़दा, गुरु साहब दी बाणी पढ़। पढ़न गिरा गुरदास जो कही, अरे ने जो भाई गुरदास जी ने बाणी उचारी है ये सिख हटिया नहीं, पढ़दा ही रहा अपनी मर्जी नाल। ये सिखां ने शिकायत लाई सतगुरां पास। सुन श्री अर्जन बाक उचारा, सुन के धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने अगों वचन किया अपने पावन मुखार बिंद तो, जिस मैं श्री गुर सुजस उचारा। महाराज कहण लगे भाई भाई गुरदास की बाणी दे विच गुरु का जासी उचारिया होया है, गुरु की महिमा जिस विच उचारी हुई है, कथन कीती हुई है। सतनाम की महिमा कही, वाहिगुरु परमेश्वर दे नाम की महिमा कीती है भाई गुरदास जी ने। तिस कहो पढ़ो सो तर्क कहो नहीं, महाराज कहिंदे भाई वह बाणी पढ़नी योग है, बेहत है, बाणी पढ़ो, उन्हूं पढ़न तो रोको ना किसे नूं, तर्को नाम रोकना भी हुंदा है, ओनू पढ़न तो कदे किसे नू रोकना नहीं है, वर्जना नहीं है। सतगुर समता चह जे मूड, हाँ जे कोई मूर्ख व्यक्ति
गुरु की बाणी की बराबरता करनी चाहता कि मैं गुरु साहब की बाणी के बराबर अपनी रचना अपनी कविता बना के रचनी है बनाउनी है किम लख सका जे आशा गूढ़ जेड़ा गुरबाणी का आशा बड़ा गूढ़ है गूढ़ की है गुरबाणी परमेश्वर नाल अभेद कर दिंदी है गुरबाणी सिख दे उत्ते अपार बख्शिशां करदी है सिख दे जमन मरन मेटदी है एक व्यक्ति आम बंदे की बनाई रचना गुरबाणी का मुकाबला थोड़ो कर लेगी पढ़ लो कविया दे बनाए हुए कवित कुछ नहीं मिलेगा पल्ले कख नहीं पैंदा गुरबाणी पढ़ के गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रबिया मन पीना निज कर आवै गो गुरबाणी पढ़ के मन विच प्रेम पैदा होएगा वैराग पैदा होएगा आनंद पैदा होएगा शांति आएगी जन्म जन्म दे पाप कटे जाणगे दुख दूर हो जाणगे तकलीफां तुहाडियां दूर हो जांदियां ये गुरबाणी विच शक्ति है गुरबाणी आप वाहिगुरु दा रूप है इस करके भाई गुरबाणी दे आशे नू किसे व्यक्ति दी बनाई रचना जिहड़ी है गुरबाणी दे आशे नू नहीं समझ सकदी गुरबाणी दा जेड़ा सिद्धांत है मूर्ख की समझ सकदा है सो नह पढ़ो करो तिस तर्क मारा कहिंदे तर्क नाम इत्थे त्यागण दा है ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਚਨਾ ਕਾਵ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮਨਵਤ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਬੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਨਮਤੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਪੜ੍ਹੋ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨਮਤ ਚਲੀ ਗਈ ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕੋਈ ਉਗਰਦੰਤੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਗੀਤਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੀਤਾ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੀਤਾ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਨਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਲੇ ਗਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਰਾਕਸ਼ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰੀ ਹੈ ਬਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਕਵਚ ਉਹਦਾ ਸਲੋਕ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰ ਕਵਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਸੰਜੋਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ ਕਵਚ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਔਰ ਦੇਵਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਜੰਗ ਲੜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਜੰਗ ਲੜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਈ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਲਓ ਜੇ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਖੈਨ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ओ अंकार उचारने मात्र से आपकी रक्षा करे उसको ओ अंकार कहे। जेड़ा एक ओंकार उचारण करने नाल तुहाडी लोक परलोक विच रक्षा करे उनू एक ओ अंकार कहिंदे आ। ते मूल मंत्र नालों वड्डी रख्या तुहाडी कौन करेगा? चौपी साहब दे पाठ करो, जाप साहब पढ़ो, अकाल उस्तत पढ़ो। हां गुरसिख पढ़ते सन दसम की बाणी। हुण जदों पुराने सिंघां ने दसिया, जदों सिंह अफगान दे इलाके दे विच्चों हिंदुआं दियां बहु बेटियां नूं लियांदे सन, उदों जफरनामे की पहली हकैत का जाप करदिया लैके आउंदे सन। आप भी सुरक्षित रहिंदे सन, उन्हां लड़कियां नूं भी इज्जत पद दे सहत लियांदे सन। बाणी दी शक्ति है, बाणी उही शक्ति देगी जिहड़ी गुरु मुख तों निकली है, जिहड़ी गुरु मुख तों नहीं, जां जिहनूं गुरु ने प्रवान कर लिया। जिवें भाई गुरदास जी दी बाणी गुरु साहब ने प्रवान नहीं कीती है, भाई नंद लाल जी दी बाणी गुरु कलगीधर ने प्रवान कीती है। ओ तुसीं पढ़ सकदे हो, अभ्यास कर सकदे हो, पर गुरबाणी दे अभ्यास रूप च गुरबाणी दा ते दसम पिता दी बाणी दा अभ्यास करो। ऐवें ना ब्रह्म कवच दा रौला पाओ, ये मनमतीए लोग है, इन्होंने मनमत दीआं गल्लां फैलाईआं, ऐवें चक के होरे पासे नूं सिखां नूं तोरी जांदे आ। ब्रह्म कवच हिंदू पण 100 वारी पण, तुहानूं किहने कहा वी ब्रह्म कवच गुरु साहब ने उचारिआ? एक किसे कवि ने मनमत नाले कविता जी बना ली, तो उसे दा वो सवैया जिहा कवित जिहा दोहरा जिहा छपा छपा के लोगों नूं दई जांदे आ। सो भाई ब्रह्म कवच कलगीधर दी रचना नहीं, दसम दी बाणी दे उत्ते किड्डे वड्डे हमले क्यों नास्तिक लोग कर रहे हैं? कुछ इन्हां गल्लां करके भी कर रहे हैं कि जिहड़ियां बाणियां साहिबां दी नहीं, उन्हां नूं भी कई लोग बनाई फिरदे अपने कोलों। इस करके जिन्नी क दसम पिता की बाणी उन्नी की रहन दिओ, उस विच वध मिलावट करन दा यतन ना करो, गलत मनमत ना फैलाओ। और ये मनमत है, गुरमत नहीं बिल्कुल। इस करके भाई तां मैं थोड़ी जी बेनती करनी सी, इन्हां नाल कुछ नहीं प्राप्त होण वाला। तुसीं जपजी साहब दे पाठ कर लो, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ लो, सिमरन कर लो, मूल मंत्र वाहिगुरु मंत्र दा की नहीं मिलता, सब कुछ ही मिलेगा। एडा वड्डा खजाना छड़ के एक ब्रह्म कवच दे मगर दौड़े फिरदे हैं कि पता नहीं उहदे नाल की मिल जाएगा। मिलना मुलना कख नहीं, उल्टा गुरु की करोपी जरूर होएगी। दूसरे बंदियां दियां बनाईयां कवितावां पढ़ोंगे जो। सो इस करके भाई ये बेनती तुहानू जरूरी मैं करनी सी। आओ महाराज भी इत्थे कहिंदे आ वी जिहड़ी बाणी गुरु दी नहीं, जिन्हों गुरु साहब ने प्रवान नहीं कीता, वह कदे भी नहीं सिख ने पढ़नी है। सो न पढ़ो करो तिस तर्क। संत बाबा जरनैल सिंह जी दे समय मैं अखी देखिया, ये वड्डा संघर्ष आरंभ करन तो पहला आ जिहड़ी सामने दर्शनी ड्योढ़ी आ, इहदे विच 21-21 चौपी साहब दियां पोथियां प्रकाश करा के महापुरखां ने चौपी साहब दा लगातार लखां दी गिणती विच अभ्यास कराया सी। उहदे विच जथेदार राम सिंह जी सुल्तानपुरी जो दरबार साहब शहीद होए, वह जथेदार हुंदे सन पाठीए ते जापियां दे। महापुरखां ने तां कदे नहीं इहो जिहा ब्रह्म कवच सिंघां नूं कहा पढ़ो, उहनां नालों वड्डा ज्ञानवान कौण सी? दरबार सिंह जे दरबार साहब भी विशेष उन्होंने जाप करवाए गुरबाणी दे मूल मंत्र दे चौपी साहब दे करवाए करवाउंदे रहे लगातार, पर इहो जिहा जाप उन्होंने कदे नहीं कहा करन के ब्रह्म कवच दा जाप करो। सो इस करके भाई इन्हां चीज़ां तो सावधान रहो सारे ही। सो महाराज कहिंदे ओ नहीं कदे पढ़ना, उस दा त्याग ही करना है। जो सिख पढ़े परह मत फर्क। जेड़ा पढ़ेगा ना, कहिंदे गुरु अर्जन देव जी कहिंदे उहदी मत विच फर्क पै जाएगा, उहदी अकल टिकाणे नहीं रहेगी। जिहड़ा गुरु दी बराबरता करेगा, इह कमले ही होए फिरदे आ, इहनां दे पल्ले की आ, अवा तवा बोली जांदे, होर इहनां दे कोले है भी की है?
ਸੋ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪਰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਕੈ ਵਰਨਨ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਅਵਤਾਰ, ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਸਨ ਬੰਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਣੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਰ ਠਾਨੀ, ਉਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਮਤ ਸਰ ਕਰ ਗੁਰ ਸੋ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਆ ਨਾਮ ਧਾਰੀ ਹੈ ਉਗਰਦੰਤੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉਗਰਦੰਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਬਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਨਰ ਕਥ ਧਰੀ, ਹਾਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਦਿਨ ਕੋ ਪੜਨ ਬਾਦ ਹੈ ਐਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਵਰਖਾ ਕਨ ਗਰਜਤ ਜੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੱਜੀ ਜਾਵੇ, ਮੀਂਹ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਗੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ, ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਗੁਰ ਅਰ ਹਰ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਗੁਰ ਅਰ ਹਰ ਤਰਕੰਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਗੁਰ ਅਰ ਹਰ ਤਰਕੰਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤਰਕਵਾਨ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਤਰਕਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਗਮਾਲਾ 'ਤੇ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਲੇ ਅਫਗਾਨੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਲਟ। ਨਰਕ ਪਰਹਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਨੰਤੇ, ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਰ ਕੀਨਸ ਗੁਰਦਾਸ ਜੋ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਸਾਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਉਹਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਸ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਸ਼ਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਾਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਠਬੇ ਗੁਰਮਤ ਪਾਵੇ, ਸਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਿਰਦੇ ਵਧਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਗੁਰ ਜਸ ਤਰਕ ਹੁਨਹਿ ਕੋਇ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ
दास जिस रचना विच कीता उस ते कदे तर्क ना करो शंका ना करो। रुच सो पढ़ो सुनो सुख पावो, प्रेम नाल रुचि नाल पढ़ो पढ़ के तुहानू सुख प्राप्त होवेगा। महाराज कहिंदे भाई गुरदास जी दी बाणी पढ़न सुन दे नाल गुर की प्रभ की कथा सुनावो, इउं गुरु दी ते परमेश्वर प्रभु दी कथा करो ते संगतां नू सुनाओ, जिस नाल संगतां विच परमेश्वर प्रति श्रद्धा पैदा होवे, गुरु प्रति विश्वास पैदा होवे, प्रेम श्रद्धा दा संगतां विच प्रवाह पैदा हो जाए, ओ कथा भाई संगतां नू सुनाउणा करो। श्री अर्जन ते सुन सब मानी, सारे सिखां ने गुरु साहिब जी दा वचन मन्निया, मनां दी शंका मिटी ते सारे ने सिर चुका के सतगुरां दी आग्या नू सत करके मन्निया है। पठन लगे गुर कृत महानी, जिहड़ी गुरु दी कृत है बाणी है उस गुरु की बाणी नू सतगुरां दी महान बाणी नू सारे सिख जपन लगे, अभ्यास करन लगे, बार बार पढ़न लगे, सतगुरां दी प्रेरणा नाल जुड़ गए गुरबाणी दे नाल, अपने मन गुरबाणी विच रंग लए, मन विच गुरबाणी दा रस उन्हां गुरमुखां गुरसिखां ने पैदा कीता। सो साध संगत जी हुण समा अगे जाण दी आग्या नहीं दिंदा है, इस लई आप सारियां संगतां जिन्नियां भी शहीदां दी याद विच पहुंचे हो तुहाडा रोम रोम करके बहुत बहुत धन्नवाद है। अरदास उपरंत श्री मुखवाक प्रिंसीपल सरदार गुरदीप सिंह जी कुछ बेनतियां करनगे और नाल नाल देग वरतेगी, फिर आप संगतां ने कड़ा प्रसाद दी देग लैके लंगर जरूर छक के जाना। यह शहीदां दा लंगर है, शहीदां दी याद विच है, इस करके तुसी सारिया ने लंगर विच्चों प्रसादा जरूर छक के जाना ता कि शहीदां दीआं खुशियां आपां प्राप्त करिए। सो भुल्लां चुकां गुरु महाराज गुरु की संगत ने खिमा करनी आ, सारी संगत दा रोम रोम करके बहुत बहुत धन्नवाद है। श्री अर्जन ते सुन सब मानी, पठन लगे गुर कृत महानी, हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राण नाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार, हे ठाक हे समरथ अगम पूरन मोहे माया तार, अंधकूप महापयान नानक पार उतार, हे अचुत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्वमय दुख भंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निदान जाकै सदा बबेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो बनहार, हे संत है कै सदा संग निधाराया दार, हे ठाकुर हौं दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय, आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल, श्री वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, जो सरदा कर सेम दे गुर पार उतारन हार। सतसंग जी एक जरूरी बेनती है कि जेड़ियां संगतां लाइव दे माध्यम राही आपो अपने घरां विच बैठ के इन्हां शहीदी समागमां नाल जुड़ियां हुईयां हन, वह सारिया संगत आपो अपने घर देश विदेश इतना समा जरूर बैठ के एकाग्रता नाल कीर्तन कथा सुन के अरदास हाजरी लवाया करो, तुहाडी उत्थे बैठिया बैठिया दी इन्हां समूह शहीदों के चरणों में जरूर हाजरी लगेगी, सतगुरु के दर से तुहाडी हाजरी लगेगी। और जो आपां डाक्टर साहिबाना दीआं हदायतां हन उन्हां दा भी पालन करना जरूरी है। जिन्नियां संगतां 6 जून तक इन्हां शहीदी समागमां विच हाजरी भर रहीआं हन
सारिआं नूं मेरी बेनती है कि अपना चेहरा जरूर ढक के रखो, क्योंकि ये पालना करनी, निजमां दी पालना करनी, ये भी साडा परम कर्तव्य है, फर्ज है। इस करके माई भाई सारे चेहरे जरूर ढक के रखिया करो, संगत विच बैठिया भी, और जे अंदर संगत ज़्यादा हो जाए तो सिंह बाहर दरिया बछा दिया करो, बरांडिया विच उत्थे संगत बैठ के आनंद माणिया करो, और लंगर बरताउन वाले माई भाई भी उत्थे भी चेहरे सजा के बन के रखन, और बर्तन मांजन वेले भी, लंगर बनाउन वेले भी, जेडे पहरेदार सेवा कर रहे हो भी अपने चेहरे बन के रखन। इन्हां हदायतां दा सारे भाई आप जरूर पालना करो। जिन्हें महापुरख अज दे दीवान विच आए उन्हां सारयां दा रोम रोम करके धन्नवाद। आओ अरदास विच डुड़िए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर सगल समगरी तुमरै सुतर तारी, तुम ते होए सुअग्याकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा तुदया गय अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु कहो नानक, कोई नाउ ना जाने मेरा वाहिगुरु। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै, गुरु नानक लई त्याए फिरंगत गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरी है घर नौन दावै ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दे आत्मक सरूप धन धन सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन उपदेश जी का ध्यान धर के बोलो जी। आप जी दे साजे नवाजे पंज प्यारे, चार साहबजादे, चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपया वंड के छकिया, देख चलाई देख वाही देख की अंडठ कीता, तिना प्यारा सुचारा की पवित्र कमाई का ध्यान धर के बोलो जी। जिन्हां सिंघा सिंघणिया धर्मे सीस दिते, बंद बंद कटाए, खुपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े, तन नारे नाल चरवाए, गुरद्वारिया की सेवा लई कुरबानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी केसां सवासां संग निभाई, तिना पुरातन अते वर्तमान समय दे समूह शहीदां की पावन पवित्र कमाई का ध्यान धर के बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चित्या वै चितावन का सदका, सर्व सुख हुवै जहां जहां खालसा जी साहिब, तहां तहां रसिया रै देख देख फतेह, बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। बख्शो जी सिखा नू सिखी दान, केस दान रहत दान, विवेक दान विसाह दान भरोसा दान, दाना सिरदान नाम दान, श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान, चमकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। आप जी दे सिखा दा मन नीवा, मत उची मत पादे राखी, आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो, समूह गुरद्वारियां गुरधामा के खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारी खालसा जी नूं बख्शो, हे निमाणियां दी मान सतगुरु, नेताणियां दे तान सतगुरु, न्योटियां दी ओर नियासरियां दे आसरे, धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी दे पावन पित्र चरण कमलों च अरदास बेनती जोदरी है सतगुरु जी, आप जी दे दर करो वसाई, दमदम टकसाल के चौदहवें मुखी अमर शहीद संत ग्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, तिना की अगवाई हेठ सचखंड श्री हरिमंदर साहब, श्री अकाल तख्त साहिब विखे समूह शहीदां दी पावन पुत्र याद नूं मनाउंदे आ,
दमदमी टकसाल के मौजूदा मुखी श्री मान संत ग्यानी हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरांवाले संगतां दे सहयोग नाल सतगुरु जी जून 84 के तीसरे शहीदी घल्लूघारे के शहीदी हफ्ते मुख रखदिआं अज अरंभता दीवान आप जी की पावन पित्र हजूरी अंदर सजे हैं। सतगुरु जी सजे हुए दीवाना में आप जी की पवित्र बाणी के कीर्तन उपरंत महापुरखों वालों गुर इतिहास कथा विचार हुई है। सतगुरु जी कथा विचार करद्या कीर्तन करद्या हुई भुलों की आप जी ने कृपा करके माफ़ी बख्शिश करनी है। गांह वास्ते श्रद्धा प्रेम भावना के बाणी पढ़ की कथा विचार करने की दात बख्शिश करनी महाराज कृपा करनी कथा कीर्तन का भाव दारा संगतों के हिरद्या वसाणा अंदरों घरों गुरसिखी नामदान भरोसे की दात बख्शिश करके निहाल किरतात करना महान सूरम्या के पाए पूरनिया के चलन का बल बख्शिश करना। सतगुरु जी आप जी ने दया करनी सतगुरु सच्चे पातशाह जी आने वाले शहीदी समागम अपनी चढ़ती कला के नाल अपना मेहरा भरिया हाथ रख के निर्विघ्नता सहित संपूर्ण करवा लेने। सतगुरु जी विघ्ना का नाश करना अपने भजन बाणी का प्रताप करना। सतगुरु जी चढ़ती कला बख्शिश करनी सतगुरु जी कृपा करनी आप जी ने कृपा करनी दमदमी टकसाल की दमदमी टकसाल के मुखी श्रीमान संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरांवाले की चढ़ती कला करनी जथेबंदी वालों चल रही समुचिया सेवावान आप जी ने अपनी दया दृष्टि अंदर आप निर्विघन संपूर्ण करवा लेनी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप जी की पावन पुत्र हजूरी अंदर पावन पुत्र कड़ा प्रसाद की देख सजा के हाजिर की है। सतगुरु जी अज की देख की सेवा महा सतगुरु जी भाई सरबजीत सिंह जी ढिलों भाई मनधीर सिंह जी ढिलों कनेडा निवासी भाई मास्टर जसवंत सिंह जी वालों हुई है। सतगुरु जी सेवा अपनी दर ते प्रवान करनी सतगुरु जी आप जी करो कृपा करी पाकसाल सोच पवित्रा हुण दा भोग हराए आप जी का भोग लग्या प्रसाद संगत विच वरतौण दी आप आग्या बख्शिश करो जो जी छके सो आप जी का पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे आप जी करो कृपा गुरबाणी के चल रहे प्रवाह में पावन पवित्र हुक्मनामा बख्शिश करके निहाल किरतार्थ करो आप जी के हुक्म ते चलण दी बल बुद्धि समर्था बख्शिश करनी आप जी करो कृपा सही गुरमुख प्यारे मिलो जिन्हें मिले आप जी का पावन पुत्र नाम चितावे नानक नाम चढ़दी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या भई अकाल की तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट जो प्रभ को मिल बो चहै खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रह न कोई वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार जो शरदा कर सिम दे गुर पार उतारण जो शरदा कर सिम दे गुर पार उतारण बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी सतगुर भी परवाहु सिरंदा ना जाम कारण ना शंदा बंदा जो तिस सेवे सो अभिनासे ना तिस काल संताए हे गुर मह आप रखिया करतारे गुर मुख कोट असंख उदारे सर्ब जिया जग जीवन दाता निरपाओ मैल ना जाय काई हे सगले जाच है गुर भंडारे आप निरंजन अलख अपारे नानक साच कह प्रभ जाच मैं दीजै साच रजाई हे मारू महला पहला पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पवित्र हजूरी
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।